नमस्कार दोस्तों, बी ट्राउन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धूम 4 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो अब तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना देखा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों धूम फ्रेंचाइजी के अब तक हमें 3 पार्ट देखने को मिल चुके हैं और ये धूम फ्रेंचाइजी एक ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी रही है। इस धूम 4 मूवी की फर्स्ट किस्त की बात की जाए यानी कि धूम मूवी की, ये मूवी 27 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी और इस मूवी को यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था और इस मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही धूम मचाई थी। इसके उनका अगला पार्ट धूम 2 आया जो सिनेमा घरों में 24 नवंबर 2006 को रिलीज हुआ था और इसमें ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा और बिपाशा बासु दिखाई दिए थे और इस फिल्म को भी संजय गांधी ने ही डायरेक्ट किया था, जिन्होंने पहले पार्ट यानी कि धूम मूवी जो 2004 में आई थी उनको भी डायरेक्शन दिया था और ये धूम 2 मूवी 2004 में आई धूम का ही दूसरा सिक्वल रही थी। और इस धूम 2 मूवी को पहले पार्ट की तरह ही आदित्य चोपड़ा ने यशराज फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया था। इसके बाद धूम और धूम 2 के दीवाने की डिमांड की वजह से मेकर्स ने उनका धूम 3 पार्ट 3 बनाया और जिसमें हमें आमिर खान सर, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ और उदय चोपड़ा देखने को मिले थे और इस मूवी को 20 दिसंबर 2013 को धूम सीक्वल के दीवाने के लिए सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और इस मूवी को भी यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था और इस फिल्म को भी संजय गांधी की जगह विजय कृष्ण आचार्य ने इस मूवी को डायरेक्शन दिया था और इस मूवी के अगले 2 पार्टों की तरह ही ये तीसरा पार्ट भी बहुत ही ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था और अब फिर से धूम के दीवानों के लिए मेकर्स धूम 4 मूवी लेकर आ रहे हैं। इस धूम 4 मूवी के डायरेक्शन की बात की जाए तो इस धूम 4 मूवी को डायरेक्शन देने वाले हैं अली अब्बास जफर, वहीं इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले हैं साजिद नडियादवाला और धूम 4 मूवी के स्टारकास्ट की बात की जाए तो इसमें हमें अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे और उनके साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर वाणी कपूर नजर आने वाली है और इस बार धूम 4 मूवी को एक हाई बजट पर बनाया जाएगा। इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 300 करोड़ के बजट पर बनाया जाएगा और अक्षय कुमार, आदित्य चोपड़ा की ये धूम 4 मूवी के अलावा उनकी पृथ्वीराज चौहान मूवी में भी देखने को मिलने वाले हैं। पृथ्वीराज चौहान मूवी में अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान का किरदार करते हुए नजर आने वाले हैं। पृथ्वीराज चौहान मूवी दिवाली के त्यौहार पर रिलीज होने वाली है यानी कि अक्षय कुमार ने आदित्य चोपड़ा की यशराज फिल्म्स की 2 फिल्मों को साइन किया है, पृथ्वीराज चौहान और धूम 4 को, और धूम 4 के जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप अक्षय कुमार की कौन सी फिल्म का ज्यादा इंतजार करें, धूम 4 या फिर पृथ्वीराज चौहान, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे।